प्राकृतिक रूप से, तो यहाँ सीजन कैसा चल रहा है? ठंडे पुरुषार्थ का सीजन चल रहा है। सिखों के लिए कहते हैं कि वो जागृत कब होते हैं? जब दिन के 12 बजते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है। तो अभी सिख संप्रदाय के लोग निकल रहे हैं? हैं? नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि अभी सर के ऊपर सूरज, ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। तो ठंडी के कारण अभी बहुत थोड़े आते हैं, नहीं तो ये हाल पूरा नहीं होता। क्या ये ठंडी का सीजन अगर खत्म होगा तो इतने आवेंगे कि हाल में समाए नहीं सकेंगे। अभी तो कसम कस करके समा जाते हैं ना। इसलिए तो अभी मकानों के पिछाड़ी मकान बनते ही रहते हैं। काहे के लिए है? अरे ये ज्ञान सुनाने के लिए मकानों के पिछाड़ी मकान बनते रहते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते रहते हैं और बनते ही रहेंगे। ये ज्ञान सुनने सुनाने के लिए, सच्चखंड स्थापन करने के लिए कितने मकान बन जावेंगे दुनिया में? है? है, बाबा ने बोला तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में स्थापन हो पड़ेंगे और करोड़ों के तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, चाहे डीवीडी में चाहे अखबारों में, बहुत बनेंगे। जैसे पहले पहले छोटा मकान था, बेसिक में भी छोटा था, फिर एडवांस में भी छोटा मकान था। बेसिक में छोटा मकान कौन सा था? बाबा ने बोला जब ये सत्संग शुरू किया तो माउंट आबू में शुरुआत में जो खपरेल का मकान था, जहां बाबा बैठे रहते थे, उसके सामने एक मम्मा की कोठरी थी, तो मम्मा की कोठरी से भी छोटा मकान था बेसिक में। ऐसे ही एडवांस में भी क्या था? छोटा मकान था। कहाँ था? हैं? अभी देखो कितने मकान बनते जाते हैं। बनते जाते हैं ना। फिर माणियां भी बनाते जाते हैं। एक एक मकान में दो दो तीन तीन चार चार मंजिल भी बनाते जाते हैं। कहां? बेसिक में या एडवांस में भी? एडवांस में भी बनाते जाते हैं। फिर जो जो भी मकान मिलते हैं, क्या कहा? फिर बाद में जो जो भी मकान मिलते हैं खरीद करने लग पड़ते हैं।
धंधा बहुत बढ़ता है तो दुकानें ज्यादा चाहिए ना, है नहीं चाहिए? दुकानें ज्यादा बनेंगी तो धंधा ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी उन मकानों को खरीद कौन करते हैं, है? उन मकानों को कौन खरीद करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा खरीद करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा खरीद करते हैं। कोई मकान खरीद करते हैं तो रजिस्ट्रेशन किनके नाम होता है, है? मम्मा बाबा के नाम। तो ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्या ब्रह्मा क्या हो गया? सांवरा, क्योंकि ये इनका बहुत जन्म के अंत का जन्म है, इसके लिए बोला है। अरे ये किसके लिए बोला? सांवरा, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए है। ब्रह्मा हो गया सांवरा, उसको शिव बाबा बना दिया, क्योंकि ये है इनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इसके बाद फिर गोरा बनेगा। कौन है? ब्रह्मा। अभी सांवरा है। तुम भी सभी गोरे थे, अभी सांवरे बन गए हो। अभी यहां आए हो गोरे बनने के लिए। देखो सांवरा बनने का इनका चित्र भी है ना, है? चित्र किस समय की यादगार है? चित्र किस बात की यादगार होती है? चरित्र की यादगार होती है। तो जो सांवरा बताया वो किस समय के चरित्र की यादगार है, है? हाँ, संगम में भी किस समय के चरित्र की यादगार है? 36 की यादगार है या 18 जनवरी 69 तक की यादगार है या बाद के किसी टाइम की यादगार है? कब की यादगार है? अरे अरे बड़े से बड़ा सांढा कब बनता है, है? कब बनता है? 36 में बनता है या 18 जनवरी 69 तक बनता है या 76 में बनता है या कभी और बनता है, है? अरे अरे वो सांढा जो है वो ज्यादा से ज्यादा गऊओं को कब कंट्रोल करता है? यज्ञ के आज में तो 400 थी, शास्त्र में उनका गायन है क्या? कब का गायन है, है? जोर से कोई नहीं बोलता है, अंत समय की यादगार है जब बहुत सांवरा बन जाता है, महाकाल कहा जाता है।
जैसे काली को क्या कहते हैं, माँ काली। तो देखो ऐसे काले कृष्ण का चित्र भी है, किस समय के चरित्र की यादगार है, है? अरे 400 गइयों के समय की यादगार है या 1500 गौओं की यादगार है? और प्रैक्टिकल यादगार है कि झूठी बात कर दिए शास्त्रों में, है? प्रैक्टिकल यादगार है। म्यूजियम में तो सब बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, तो यहां बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं। किस समय की मुरली है? 64 की मुरली है। उस समय माउंट आबू में वो जड़ म्यूजियम भी नहीं बना था क्या? यहां बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं। 64 की बात बता रहे हैं क्योंकि यहां म्यूजियम बनावे तो यहां तो सब अंदर घुसावे। तो यहां बनाने का कायदा नहीं है क्या? अभी ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है? है पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों के लिए ठंडी का मौसम है, तो सवेरे सवेरे को ठंडी में राजाई के अंदर घुस करके पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं या जागृत होते हैं, क्या करते हैं? और ठंडी में बहुत ठंडी लगती है तो कौन उठ के बैठे? तो देखो यहां कायदा नहीं है बड़े बड़े म्यूजियम बनाने का। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम घर जाते हैं शांति धाम में और हम रहने वाले भी सब शांति धाम के, जहां से आते हो जहां सिर्फ आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम, उसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। वहां मनुष्य को शरीर तो होता नहीं है, पीछे यहां आकर के शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं। तो जब नए आते हैं नई दुनिया में आते हैं तो वहां सुखी सुख होता है, शांति ही शांति होती है। तो बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत महात्मा नहीं पढ़ाते हैं क्या? साधु संत महात्मा पढ़ाते हैं या पढ़ाने वाला गृहस्थी है? है गृहस्थी है, हद का गृहस्थी है, निजाम बादशाह इतनी ढेर की ढेर रानियां रहने वाला उसको बेहद का गृहस्थी नहीं कहेंगे, है? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्या लिमिट? 500 की। तो हद का गृहस्थी हुआ,
और ये बाप तो बेहद का है, तो कैसी गृहस्थी वाला है? हैं? बेहद की गृहस्थी वाला है। गृहस्थी किसे कहते हैं? हैं? अरे मकान होता है, मकान में टीवी आदि सारी सज्जाएं रखी हो, सोफा सेट रखे हुए हो, बढ़िया सुंदर मकान हो, बाल बच्चे हो, तो उसको गृहस्थी कहा जाता है क्या? है? अरे गृहस्थी गृहिणी से होती है या मकानों से होती है? शास्त्रों में भी लिख दिया है, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, गृहिणी ग्रहम उच्यते, ग्रहम ही गृहिणी हीनम, जो घर है गृहिणी के बिना है, अरण्य सदसम्मतम, वो घर नहीं है, क्या है? जंगल है। तो बताया, ऐसे नहीं समझना यहां कोई साधु संत महात्मा बैठा हुआ है, क्या ये तो गृहस्थी है। बाप गृहस्थियों को पढ़ाने आते हैं या सन्यासियों को पढ़ाने आते हैं? हैं? शास्त्रों में क्या गायन है? अरे राजयोग का ज्ञान गृहस्थी को दिया या साधु संत महात्माओं को दिया? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को दिया या अर्जुन जैसे गृहस्थियों को दिया? तो हम इनको तो छोटेपन से जानते हैं। क्या कहा और किसने कहा? कौन किसको जानते हैं? हा? हम इनको तो छोटेपन से जानते हैं। कौन जानते हैं? हम कहने वाला कौन है? शिव बाबा अकेली आत्मा, अकेले के लिए हम कहेगा या मैं कहेगा? मैं कहेगा। यहाँ तो मैं नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला? हम। इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को। छोटेपन से जानते हैं माने ये जब बचपने में था तब से इनको जानते। तो बचपने में शिव बाबा था? है? था, भले नहीं था, लेकिन शिव बाबा तो जानी जाना ना रहे ना? नहीं जन जाना ना रहे। तो किस में प्रवेश करके बोलता है? जो हम का है, हाँ, जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता वाली आत्मा जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया था, ज्ञान का बीज डाला था, तो बोला हम इनको तो छोटेपन से जानते हैं। ये सिंध का रहने वाला, उनके बाप दादा वगैरह को भी जानते हैं। क्या कहा? सिर्फ इनको नहीं जानते, इनके बाप दादा वगैरह वगैरह को भी जानते। परंतु इसमें फिर जो ज्ञान का सागर प्रवेश करके बोलते हैं, उनको तो कोई नहीं जानते हैं। अच्छा,
ओम शांति। बाप की पहचान में अगर 1% भी संशय बीच बीच में आता है, आज खून से लिखते हैं कि हमें बाप मिल गया साकार में, कल विरोधी बन जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ, आज स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं कि हमको साकार में बाप मिल गया और कल दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या नबी गए तो विरोधी संकल्प चलते हैं, विरोधी वाचा में चल पड़ते हैं, वाचा भी चलती है और मौके बेमौके डिस सर्विस भी प्रैक्टिकल में कर देते हैं। तो ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? हैं? अज्ञानी हुए तो उनकी बात नहीं है, जो ज्ञानी है उनकी पहचान है भक्ति छूट जाती है, भक्ति खलास, कोई भी देहधारी के पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं भागेंगे। किसके पीछे भागेंगे? हैं? उसी के पीछे भागेंगे जिसमें निराकार बाप प्रवेश है। उस निराकार बाप को पहचाना है, उसी के पीछे भागेंगे जिसमें मुकर्रर रूप से निराकार बाप प्रवेश करता है। और देहधारियों की बाप के प्रभाव में अगर आते हैं तो उनको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। और ज्ञान जब संपूर्ण परिपक्व स्टेज पर आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सारी दुनिया से बैराग, राग माना प्रीति और वे माना विपरीत प्रीति, सारी दुनिया से प्रीति के मुकाबले विपरीत होकर के चलते हैं। माना बाहर से तो सबके साथ अच्छा अच्छा निभाएंगे, लेकिन अंदर में प्यार किसके प्रति रहेगा? एक बाप के प्रति प्यार रहेगा, एक बाप दूसरा न कोई। अंत में है बैराग। भक्ति मार्ग में हनुमान के मंदिर जाते हैं तो माताएं होती है वो पीछे हाथ रख दर्शन करती है और भाई लोग आगे हाथ छोड़कर दर्शन करते हैं। अभी कम से कम पीछे तो आती है, पहले तो हनुमान के मंदिर में जाने ही नहीं देते थे क्या? हाँ, जैसे बाबा कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, वो शिवलिंग की पूजा करने के लिए मना करते हैं क्या? उसका दर्शन करने माताओं को नहीं जाना, उसकी पूजा करने के लिए माताओं को नहीं जाना। और बाप कहते हैं अरे शिवलिंग की तो खूब पूजा करनी चाहिए। क्यों कहते हैं? शिवलिंग किसकी यादगार है? हैं? हाँ, उस मुकर्रर रथ की यादगार है जो अपनी संपूर्ण स्टेज में निराकार ज्योति बिंदु को अंदर में धारण कर लेता है सदा सर्वदा के लिए। इसलिए जब मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग स्थापन करते हैं, तो लिंग तो बड़ा है और उसमें बिंदु छोटा है, तो जो सूक्ष्म स्टेज है बिंदु की, उस सूक्ष्म स्टेज में आत्मा जब टिक जाती है तो वो शरीरधारी जो सूक्ष्म स्टेज में पहले पहले टिकता है उसी का यादगार है शिवलिंग।
तो पूजा साकार की जाती है या निराकार की जाती है? पूजा साकार की ही कहेंगे और याग निराकार की भी कर सकते हैं, साकार की भी कर सकते हैं, अथवा तो साकार में निराकार को भी याद कर सकते हैं। लेकिन हनुमान किस पार्टधारी की यादगार है? है कहते हैं हनुमान राम का भक्त था, है उनका कौन सा कार्य ज्यादा प्रसिद्ध है? लंका में आग लगाई, ये सारी दुनिया क्या है? है लंका है, जो सारी दुनिया लंका है उसमें कौन संप्रदाय निवास करते हैं? रावण संप्रदाय निवास करते हैं। वो रावण संप्रदाय देह अहंकारी है या आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने वाले हैं? देह अहंकारी है। वो देह अहंकारियों को देह याद पड़ती है, देह दिखाई पड़ती है, देहधारी दिखाई पड़ता है या देहधारी में निराकार दिखाई पड़ता है? उनको कितना भी बाप का परिचय दो, उनकी आंखें किसको देखेंगी? देहधारी को देखेंगी, बड़े रूप को देखेंगी। वो निराकार ज्योतिबिंदु को नहीं देख पाती है। क्यों नहीं देख पाती? हाँ देवभान, वो कौन से गुरु को अपना गुरु माने बैठे हैं या जन्म जन्मांतर उन्होंने गुरु बनाया है? हाँ देहधारी गुरुओं को ही गुरु बनाया है। देहधारी बोलता है चारों लोग पर तो तुम्हारा गया तो नहीं तक वो मांगने लगते हैं। मैं कहते हैं चारों युग पर तो तुम्हारा गया तो नहीं। अच्छा चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उद्यारा, ये कह रहे हैं। हाँ तो उसका कारण ये है कि विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण जिसने लिखा है वो विष्णु को भगवान साबित करना चाहता है या दूसरे देवताओं को भगवान साबित करना चाहता है? और ब्रह्म पुराण जिसने लिखा है वो ब्रह्मा को ही भगवान, ब्रह्मा को ही ऊंचा साबित कर देता है। शिव पुराण जिसने लिखा है वो किसको ऊंचा साबित करता है? शिव को ऊंचा साबित करता है। गणेश की पूजा करने वाले गणेश को भगवान मानते हैं और हनुमान की पूजा करने वाले हनुमान को बड़ा मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान मनुष्य के रूप में आता है, मनुष्यों को पढ़ाने के लिए आता है या जानवरों को पढ़ाने के लिए आता है? है मनुष्यों को पढ़ाने के लिए आता है। इसका प्रूफ मुरली में क्या है? एक महावाक्य है, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं, तुम मनन चिंतन मंथन करते हो, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। इससे मेरा काम नहीं है, मेरा काम जो नई दुनिया बनाने का है वो ये नहीं बना सकता। क्यों? इसकी यादगार क्या है? जो मंदिरों में भी दिखाई तो गई है, है मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है और नाली के सामने बैल दिखाते हैं तो उसकी मन बुद्धि किस तरफ रहती है? है उसकी मन बुद्धि शिवलिंग में जाती है या नाली में जाती है? नाली में जाती है। तो किसका पार्ट हुआ? है बैल किसको बताया है मुरलियों में? ब्रह्मा को बैल बताया। बैल बुद्धि है, माना
जानवर बुद्धि है, अड़ियल भी है। जो बैल होता है वो अड़ियल भी होता है। सामान्य बैल जो होते हैं वो खेती में काम आते हैं, और जो अड़ियल बैल होता है वो खेती के काम का नहीं है। तो ये अड़ियल बैल है कौन? ब्रह्मा बाबा। अड़ गया गीता का भगवान? शिव बाबा नहीं हो सकता। गीता का साकार भगवान, गीता उच्चारण करने वाला, गीता का ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण की आत्मा है। वो कृष्ण की आत्मा मैं हूं। अड़ गया तो अड़ गया। तो ऐसा जो बैल है जिसकी बुद्धि सदैव नाली में लगी रहती है, वो चंद्रमा के रूप में भी दिखाया है, लेकिन संपूर्ण चंद्रमा है या अधूरा चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाया है। उस अधूरे चंद्रमा को भी शंकर के माथे पर रखा जाता है। क्यों? क्यों माथे पर रखते हैं? वही अंत में रहे जिस बच्चा साबित हो। बाप का जो बच्चा होता है उस बच्चे को बाप सर माथे पर चढ़ाते हैं। जानते हैं कि ये बच्चा ही मेरा वारिस बनने वाला है। तो जो बच्चा वारिस बनने वाला है वो बच्चा बुद्धि है ना। जब तक बच्चा बुद्धि है तब तक उसको समझदार कहेंगे या बेसमझ कहेंगे? बेसमझ कहो, जानवर बुद्धि कहो, बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही बात है। इसलिए कहीं गणेश के रूप में दिखाया है, कहीं बंदर के रूप में दिखाया है, कहीं है बैल के रूप में दिखाया है। एक ही पार्टधारी है और उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है। तो वो आत्मा जब प्रवेश करेगी तो बुद्धि में जो कीड़ा भरा हुआ है वो ही पार्ट बजाएगी या दूसरा पार्ट बजाएगी? वो ही पार्ट बजाएगी। और कलयुग के अंतिम जन्म में सूर्यवंशी आत्माएं सबसे जास्ती नीचे गिरती हैं, पतित बनती हैं, या औरवंशी की आत्माएं जास्ती नीचे गिरती हैं? सूर्यवंशी जास्ती नीचे गिर गए, कमजोर हो गए या पावरफुल हो गए? कमजोर हो गए। तो बैल शंकर पर सवारी करेगा या शंकर बैल पर सवारी करेगा? है शंकर पर अभी बैल सवारी करता है। जब तक वो शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी है, संपन्न स्टेज को प्राप्त नहीं करती है, सदा काल के लिए निराकारी नहीं बनती है, तब तक है, तब तक देहधारी है, कमजोर है देहधारियों के बीच में। और भूत प्रेत आत्माएं कमजोर के ऊपर सवार होती है या पावरफुल के ऊपर सवार होती है? तो शंकर वाली आत्मा वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर है। तो बैल शंकर पर सवारी करता है। जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेगा शंकर तो क्या होगा? तो छलांग लगा के, हाई जंप लगा करके बैल पर सवार करेगा। बैल पर जब सवारी होगी तो उस बैल को निशानी दिखाते, कोई निशानी दिखाई गई है बैल में? हाँ, उसके कंधे पर चढ़ा हुआ है कौन? शिवलिंग दिखाते हैं। अड़ियल बैल को ही शिवलिंग दिखाते हैं या खेती करने वाले जो बैल होते हैं उनको शिवलिंग दिखाते हैं? अड़ियल बैल को शिवलिंग दिखाते हैं। तो जो हनुमान है उसके लिए सन्यासी क्या कहते हैं?
कन्या माताओं को क्या कहते हैं? हैं? इसकी पूजा तुमको नहीं करनी है, तुम आगे मत जाओ, इसके नजदीक मत जाओ, ये पूछड़ी वाला है, ये तुमको पूछ लगा देगा। पूछ होती है ना? होती है या नहीं होती है? होती है। भारत में कौन सा पक्षी है जिसकी पूछ है? मयूर पीछे दिखाते हैं, है? मोर। क्यों? कोई कारण है? मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर जो है उसकी जो पूंछ है देह अभिमान की या विकारों की पूंछ है, वो पूंछ बड़ी मुलायम होती है। क्या है? मुलायम होती है। तो पूंछ जो मुलायम होती है वो ज्यादा मार मारेगी या गेंडे की पूंछ में ज्यादा मार मारेगी? एक पूंछ ऐसी भी होती है लंगूर की, वो पूंछ किसी के गले में लटकाए दे तो बस फांसी ही मार दे। एक सांप होता है, कौन सा मोटा वाला सांप, क्या कहते हैं उसे, है? अजगर। वो अपनी पूंछ से जब लपेटा मारता है तो पूरा ही खत्म कर देता है। तो ये पूंछ दिखाई गई है, मोर की पूंछ। कौन से देवता को दिखाते हैं? कृष्ण को दिखाते हैं। ये प्योरिटी की निशानी है या दुख देने की निशानी है? ये प्योरिटी की निशानी है, दुखदाई सांडों की निशानी नहीं है। तो जो प्योरिटी की निशानी मोर है, उस मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसलिए माना जाता है, पवित्रता को पूजा जाता है। अब हनुमान की भी पूछे, हनुमान की पूछ ने क्या किया? आग लगाई। अरे वो काम विकार की पूछ है ना, तो काम विकार की पूछ से जो देह अभिमानी असुर हैं, सांडे हैं, भगवान के निराकार रूप को नहीं पहचान पाते हैं, वो बड़े रूप को ही देखते हैं, साकार को ही देखते हैं, उन देह अभिमानी सांडों में आग कैसे लगती है? है? अरे लगती है या नहीं लगती है? कैसे? अभी आग लग रही है धीरे धीरे या नहीं लग रही है? कैसे है? अरे उनकी कन्याएं माताएं जब भाग भाग करके यज्ञ में आ जाती हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। क्रोध आता है तो आग लगाई या नहीं लगाई गई? आग लगाई गई। ये काम विकार की आग है, पूंछ में लगाई गई। इसलिए रामायण में दिखाया है कैसी आग लगाई है। पूंछ में कपड़े बढ़िया बढ़िया सारे लंका के लपेट दिए गए। ये वस्त्र किसे कहा जाता है? शरीर रूपी वस्त्रों को वस्त्र कहा जाता है। वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र उनकी पूंछ में लपेट दिए गए। तो रामायण में लिखा है कि सारी लंका में जो सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो कोई वस्त्र नहीं बचे। वस्त्र वस्त्र माना, हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। बस वासांसि माने वस्त्र, कौन से वस्त्र है? शरीर रूपी वस्त्र। वो शरीर रूपी वस्त्र लंका में बचे ही नहीं। क्या मतलब हुआ है? अरे 16,000 ही तो सरेंडर होते हैं,
ये ज्यादा सरेंडर होते हैं। तो सारी लंका में बचे ही नहीं, क्या मतलब हुआ? अरे सारी लंका तो 500 करोड़ की है, 500 करोड़ में जो सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं, वो तो स्त्रियों के माने जाते हैं। तो 250 करोड़ मान लो, वो सब हो गए? नहीं, सुंदरता एक बाहर की भी होती है और सुंदरता अंदर की भी होती है। तो जो अंदर की सुंदरता वाले वस्त्र हैं, जिनको बाबा ने बोला है, या तो धारणा की सुंदरता हो या तो ज्ञानी तू आत्मा हो, वो मुझे प्रिय है। तो ऐसी आत्माएं जब ढेर की ढेर सरेंडर होने लगती है तो उनको क्रोध आता है, और क्रोध में वो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। तो वो एक रूपक दिखाया गया है। तो शास्त्रकारों ने उसे स्थूल बात समझ लिया है। यहां संगम युग की बात हनुमान को भी पूंछ दिखाते हैं। वो पूंछ जानवरियत की निशानी है या देवताई की निशानी है? देवताओं को पूंछ होती है? देवताओं को तो पूंछ ही नहीं होती। पूंछ किसको होती है? जानवरों को पूंछ होती है, पक्षियों को भी, पक्षियों को भी पूंछ होती है, गणेश को, अरे अरे हाथी को होती है कि नहीं? हाथी को भी होती है। तो ये जो जानवरियत वाले देवता दिखाए गए हैं, उनको भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। उन्होंने कभी न कभी धारण की है, कुछ न कुछ पवित्रता धारण की है। ब्रह्मा वाली सोल ने, जिसको गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, बैल के रूप में पूजा जाता है, उसने भी बेसिक रूप में, बेसिक के ज्ञान में, जितना भी समय वो आत्मा चली, बुद्धि से पवित्रता का कुछ तो अर्थ समझा, ऊपरी अर्थ समझा या अंदरूनी अर्थ समझा? ऊपर का अर्थ समझ लिया। क्या समझ लिया? अपवित्रता क्या है? क्या समझा? हैं? अरे स्त्री पुरुष भ्रष्ट इंद्रियों से जो आपस में कर्म करते हैं वो अपवित्रता है। क्या समझा? हैं? स्त्री पुरुष भ्रष्ट इंद्रियों से जो आपस में कर्म करते हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने वाले भ्रष्टाचारी हैं, अपवित्र हैं। ये ऊपर का अर्थ है या अंदरूनी अर्थ है? कैसे? अरे शिव के मंदिर में क्या दिखाते हैं, जिसकी सबसे जास्ती पूजा होती है? क्या दिखाया है? हैं? शिव का तो लिंग ही पूजा जाता है, कहाँ रखा है? हैं? माता के नजदीक रखा है। प्रवृत्ति मार्ग है ना पक्का? ये निवृत्ति मार्ग है, पक्का प्रवृत्ति मार्ग है। दूरवाज खुशवाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे शिवलिंग की भी पूजा होती है, इसका कारण क्या है? क्या लिंग भ्रष्ट इंद्रिय नहीं है? हैं? हाँ जी, हाँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ फिर? उसे अपवित्र क्यों नहीं कहा जाता? कोई कारण होगा? अरे अरे कारण है, शास्त्रों में बोलते भी हैं अमोघवीर्य। क्या मतलब हुआ? भले संग में रहता है लेकिन वीर्य स्खलित नहीं होता, पतन नहीं होता, शक्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए उसको अच्युतम कहा जाता है। अच्युत माने नीचे गिरना।
वो नीचे गिरने वाला नहीं है। जो नीचे गिरने वाला नहीं है कर्म इंद्रियों से भी नीचे नहीं गिरता है। पंद्रहवीं कर्म इंद्रियों से शक्ति छीण नहीं होती। जब कर्म इंद्रियों से शक्ति छीण हो जाती है तो कर्म इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं या पावर में रहती है? निस्तेज हो जाती है, तेज खत्म हो जाता है। तो वो निस्तेज नहीं होता है। वाचा से भी जो भी बोलता है वो कल्याणकारी और सत्य बात बोलता है या असत्य बोलता है? कल्याणकारी सत्य बात बोलता है। तो सत्य बात होने के कारण उसमें पावर होगी या कमजोर बात होगी? पावर होगी। और संकल्प भी पावरफुल होंगे या विकारी दुखदाई संकल्प होंगे? हैं? दुखदाई नहीं हो सकते। नहीं तो जो विकारी पुरुष होते हैं, देह अभिमानी पुरुष होते हैं, वो कामेंद्रियों से मार मार के दुख देते हैं या नहीं देते हैं? दुख जरूर देते हैं। उत्तेजना में आएंगे तो दुखदाई जरूर बनेंगे। इसलिए बोला है इस दुनिया में जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। कर्म इंद्रियों से जबरदस्ती करने वाले हैं। तो ऐसे जो हैं वो जानवर हैं, बैल हैं या सोच समझ के काम करने वाले मनुष्य हैं? हैं? कहते तो सब हैं कि दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कहते हैं या नहीं कहते? पुरुष भी ज्ञान में चलने वाले हैं, कन्या माताएं भी ज्ञान में चलने वाली हैं, वो भी कहती हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और पुरुष भी सब कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में उस बात को धारण किया है? हैं? नहीं धारण किया। नहीं धारण किया है। बैल की तरह आचरण है कि आवेग आया और अपना काम कर दिया। तो ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कहेंगे, सोच विचार करके करने वाला कहेंगे। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन कर सके, सोच विचार के कर्म करे। कर्म करने से, कर्म इंद्रियों से कर्म करने से पहले सोच विचार नहीं किया लेकिन कर्म कर लिया, बाद में पछताते हैं, अरे हमने ये क्या किया, हम तो धर्मराज की सजाओं के हकदार बन गए। तो उसे जानवर कहेंगे या मनुष्य कहेंगे? जानवर कहेंगे। इसलिए ऐसे जानवरों को भी पूजा के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया जिससे उनकी पूजा होती है? उन्होंने जितना समझा उतना ही कर्म किया। क्या? पवित्रता के अर्थ को जितना गहराई से समझा उतना पवित्रता को उन्होंने पालन किया। उससे जास्ती नहीं कर सके, वो समझा ही नहीं तो करेंगे कहां से। और दूसरों को बोला है बच्चों में एक भी भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों का गुरु में बोला है बाबा ने कि तुम बच्चों में एक भी भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग का? हाँ। तो ये जो मंदिर में जाना वो सब भक्ति मार्ग होना चाहिए? हाँ। अगर सेवा के लिए जाते हैं तो भक्ति मार्ग का कर्म है या ज्ञान मार्ग का कर्म है? तो ज्ञान मार्ग का हो गया। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं किस लिए जाते हैं? हैं? सब जाते हैं या जाने वालों में ऐसे भी हैं जो उन्हीं के रंग में रंग करके आते हैं या वहां उनके सामने जाकर के सेवा करते हैं कि डरते हैं? हैं? अगर डरते हैं तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? भगत हैं। ओम शांति।